श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्व मूलम मदह शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तात्पर्य, भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है वेदों का क्या प्रयोजन है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से जानता है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्त्रोत जो आत्मोन्नति के लिए हैं वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहाँ पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि वह बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है जिसमें अनेक लोग उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हों तथा जड़ें ऊपर की ओर हों कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है। इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति पुरुष और तब तीन गुण निकलते हैं और फिर पांच स्थूल तत्व पंच महाभूत फिर 10 इंद्रियां दशेंद्रियां मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में है और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। क्योंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है अतः आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर हैं। इसकी व्याख्या भगवद गीता में हो चुकी है। क्योंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता, परंतु वह स्रोत जहाँ से यह प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है तो इससे समझा जाता है
कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्म कांड द्वारा आकृष्ट होता है वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। वे वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वह है इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। हरे कृष्ण।